हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो एग्जामिनेशन के लिए नोट्स हम लोगों ने रेडी किया है वो कम्प्लीटली रेडी है आप सभी के लिए. जितने भी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रिपेयर ठीक तरीके से नहीं कर पाए हैं, लास्ट टाइम यू नो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं. आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट. सिर्फ 200 रुपए पर पेपर में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे. अगर आप सारे पेपर से एक साथ लेते हैं, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, आपको और डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिलेगा. एंड हम लोगों ने अभी टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन किया है, आई मीन लॉन्च किया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज पर मंथ में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री असाइनमेंट्स, यू नो नोट्स 200 रुपए पर पेपर पे आपको मिल जाएंगे. देर मल्टीपल बेनिफिट जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी. आपको बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और बेनिफिट्स को देखने हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं. ठीक है, सो आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं. नाउ, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ग्लोबलाइजेशन के को डिस्कस करने के पहले, इसके इफेक्ट को डिस्कस करने के पहले, हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होती क्या है. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई बिजनेस अपने एरिया से निकल करके ग्लोबल हो जाता है. मतलब कोई सपोज इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वो दूसरी कंट्रीज, जो यहाँ की जो हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज हैं, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ तक कि इसके बाहर रीजनल बाउंड्रीज को पार करके भी अब हम ग्लोबल हो रहे हैं. दूसरी दूसरी कंट्री में अपने सामान को बेच रहे हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट नेशन हो, मिडिल ईस्ट नेशन हो, वेस्ट हो, वेस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, आई मीन नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो हो गई. तो जब बिजनेस जो है आपका बड़ा हो जाता है, आपकी कंट्री के बाहर निकल जाता है, आपकी कंट्री की बाउंड्रीज को बाहर चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है, उसका असर जो है, उसका इफेक्ट जो है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है, उसके बारे में हमारा टॉपिक और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, द मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट ग्लोबल इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड डे बाय डे. है ना, जो सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है. आपने सुना होगा 2008 में जब रिसेशन आया था, पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, इंडिया में भी आया था, लेकिन हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी था इतना स्ट्रांग था कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो हमारा डिपेंडेंसी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत कम है. हम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में विश्वास नहीं रखते, मतलब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, अभी के टाइम में और बढ़ावा दिया जा रहा है. पर जितना आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, जितना आप अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, जितना आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उतना जो है रिस्क आपका बढ़ेगा इन सब चीजों का. हालांकि ग्रोथ के लिए ये सारी चीजों का होना जरूरी भी है, तो आप इससे भाग नहीं सकते. देर सवेर आपको इसको करना ही है. और ग्लोबलाइजेशन तभी होगा जब आप अपनी इकोनॉमी को खोलोगे, और खोलने के कारण उसका असर जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना. तो वही होता है कि जब चीजें इंटीग्रेट हो जा रही हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो आपस में इंटीग्रेट हो जा रही है, एक कंट्री का नुकसान दूसरी कंट्री को भी भरना पड़ रहा है. जैसे अमेरिका में अगर कुछ होगा तो अमेरिका में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको भी नुकसान होगा, है ना. तो उस तरह की चीजें, तो वही बात है कि इसका जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है. दूसरा पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज एट अ फास्टर रेट देन द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड आउटपुट. जो वॉल्यूम है वर्ल्ड ट्रेड का वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है वर्ल्ड आउटपुट के मुकाबले. जितना दुनिया में सामान पैदा नहीं हो रहा उतना उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती जा रही है. इसी कारण से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी और बड़ी भी होती जा रही है. इसी कारण से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में मिल रहा है वो प्रोडक्ट किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इंडिजिनस होती हैं. लेकिन उस चीज को जब बाहर हम बेच रहे हैं तो उन लोगों को पसंद आ रहा है, डिमांड बढ़ जा रहा है. तो आप अपने यहाँ की कंट्रीज के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है आपको. अब बाहर से जो डिमांड आ रहा है उसको भी आपको पूरा करना है. बाहर में बेनिफिट भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, वहाँ आप डॉलर में कमाएंगे, यहाँ रुपए में कमाएंगे. तो इस कारण से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड की आउटपुट के मुकाबले. आप समझ रहे हो, अगर 100 खिलौने का डिमांड है तो बना रहे हो आप 120 140 ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में और ज्यादा होगा, है ना. तो इस तरीके से हो रहा है. तीसरा क्या है, देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ लोअरिंग द बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अमंग कंट्रीज. ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, ये करना चाहिए. ये करने के कारण से ही ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में बढ़ता है. ये क्या बोला गया है कि जो बैरियर्स होते हैं, जो हर्डल्स होती हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड यू नो आप अपने बिजनेस को बाहर लेकर नहीं जा सकते. आपकी कंट्री नहीं, सपोज आपके ऊपर बैन लगा दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते. अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा. तो नॉन टैरिफ यू नो एक तरीके से बढ़ा देना या नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट करके कोशिश की जाती है कि जो फ्लो है उसको रोका जाए.
लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा इंटीग्रेट होती जा रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही पीछे रह जाएंगे। तो अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारी तरह की चीजें कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग और बेहतर हुआ है। वो इसीलिए हुआ है कि हम लोग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जो फ्लो है गुड्स का, सर्विसेज का या कैपिटल का अमंग कंट्रीज, वो बहुत ही आसानी से अभी के टाइम पे हो पा रहा है, लेकिन पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। चौथा पॉइंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इन ऑर्डर टू बिकम कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज ऑपरेशंस, है ना। तो जो FDI है वो हर साल जो है बढ़ रहा है, हर एक कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ डेवलपमेंट के चांसेस हैं वहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे मार्केट्स में, ऐसे जगहों पे जहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट आपको ज्यादा हो सकता है। यही लिखा हुआ है, कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ओवरसीज ऑपरेशंस, जो बाहर के ऑपरेशंस होते हैं, दूसरे कंट्री में जो ओवरसीज चल रहे, ओवरसीज जो ऑपरेशन चल रही होती है वहां पे भी पैसे जो है लगाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, ग्लोबल ऑपरेशंस हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। अब जब ऑपरेशंस ग्लोबल होंगे तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का होना भी लाजमी है, ये भी देखने को मिलता है। इंपोर्ट्स आर पेनेट्रेटिंग डीपर इन टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज एज वेल। तो जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक तरीके से पेनेट्रेट कर रही है बड़ी बड़ी कंट्रीज को, मतलब सपोज अमेरिका हो गई। अमेरिका को आपको पता नहीं होगा कि अमेरिका और इंडिया में जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया बहुत सरप्लस में है। जितना का हम सामान मंगवाते हैं उससे कहीं ज्यादा का सामान हम बेच देते हैं, जिसके कारण से अमेरिका जो है बहुत परेशान है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही, बाकी का ये सारे कंट्रीज भी जो है परेशान है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो खराब है। बट ऐसे इंडिविजुअल कंट्री वाइज हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिसके कारण से बाकी सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम होता है। और इसी को मैनेज करने के लिए मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे इम्पोर्ट जो मैंने बताया वो भी है पेनेट्रेटिंग वाला, कि उसके कारण से पेनेट्रेट भी होता है। सातवां पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट लीड्स टू मोर फॉरेन कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो जितना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इम्पोर्ट होगा उसके कारण से फॉरेन कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा आपके डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सातवां पॉइंट है, इन ऑर्डर टू कम्पीट विद फॉरेन प्लेयर्स डोमेस्टिक फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एनहांस द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज। अगर आपको फॉरेन प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना है तो आपका जो डोमेस्टिक फर्म है उसको बहुत ज्यादा काम अच्छे से करना पड़ेगा, R&D के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही आप कर पाओगे। क्योंकि बाहर से जो कंपनीज आ रही है उनके पास ढेर सारे पैसे हैं, वो पैसे ढाल देते हैं, इतना ढाल देते हैं कि इंडिया में कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए। वेयर एज अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे उनका बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है, और बाहर से चूंकि पैसे उनके पास आते नहीं है तो उनको दिक्कत होने लगती है, इसलिए FDI बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है इसमें। नौवां नंबर पॉइंट है, कंपनीज हैव स्टार्टेड लुकिंग द वर्ल्ड एज अ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। अभी के टाइम पे सारी कंपनीज जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड को एज अ मार्केट वो देख रही हैं। अगर कोई सामान इंडिया में बिक रहा है ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री में नहीं बिकेगा। अगर आप उसको बेचने की कोशिश करोगे, एड्स वगैरह चलाओगे जिसमें आपको दिखता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पे हर जगह एड ही चल रहा है अभी, तो आप डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट जो है वो भी बिकेंगे। तो अभी के टाइम पे, और चूंकि इकोनॉमी खुल चुकी है पूरी तरह से, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, इसके वजह से ये जो है हमें देखने को मिलता है, जो हमारा मार्केट है वो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहा, वो बाहर भी चला गया। इसलिए कंपनीज हैव स्टार्टेड लुकिंग द वर्ल्ड एज अ मार्केट, है ना, पूरी दुनिया जो है अभी के टाइम पे मार्केट बन गई है। दसवां नंबर पॉइंट है, कंपनीज हैव स्टार्टेड डिस्पर्सिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज अराउंड द ग्लोब वेयर कॉस्ट एंड स्किल कंडीशंस आर मोर फेवरेबल। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल इंडिया और चाइना है। आपको पता है कि चाइना में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया और अभी के टाइम पे वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो अमेरिका या फिर जर्मनी, ऐसी ऐसी कंट्रीज जो हैं जिनके यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा महंगा है, वो क्या कर रही है, वो चाइना चली जा रही है जहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है। वो अपने प्रोडक्ट को वहीं बनवाती हैं, वहीं असेंबल करती हैं, और उसके बाद उस कंट्री में तो बेचती ही हैं, प्लस पूरे वर्ल्ड में भी बेचती हैं। तो जो वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़ता है चाइना में, है ना। सेम चीज हमारे इंडिया में भी अप्लाई होता है, इंडिया में भी ये चीजें जो है धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आपने सुना होगा कि सैमसंग ने भी हाल ही में अनाउंस किया था कि नोएडा में वो जो है प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, एप्पल ने भी अपना जो है जो एक्सक्लूसिव शोरूम है वो अब खुलने स्टार्ट कर दिए हैं पूरे के पूरे इंडिया में। सो ये न्यूज आपने, आई होप कि आपने सुना होगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मार्केटिंग, रिसर्च फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें जो है पूरी दुनिया में स्टैब्लिश की जा रही है बाई द बिगर कंपनीज, है ना। 11 नंबर पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर द फर्म। अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो जो फर्म के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके पास मौका होता है अपने सामान को ग्लोबली लेकर के जाने का, तो ये भी एक पॉइंट है। 12वां नंबर पॉइंट है, इनोवेशंस हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग फास्टर। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाते रहना पड़ेगा, अगर आप सेम प्रोडक्ट लेकर के हमेशा चलोगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीज देखने को मिलती है, जैसे कि पहले के टाइम पे मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा था, नोट्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं बनते थे, जिसके कारण से सारी लोगों की डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाती थी, है ना। कई लोगों को वीडियो देखना पसंद होता है, कई लोग जो है पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने के लिए मुझे नोट्स निकालना पड़ा, फाइनली काफी मेहनत लगा, बट फाइनली रेडी है एंड नोट्स अवेलेबल है, जैसा कि मैं बता रहा था, नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। आपको कॉल करना है हमारे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।